मुझे क्षमा कर दो कि तामसी जीव हूँ स्वामी। अरे तुमको नमो नमामि। और ये क्या मन मुद्राएं नातेदार बजाज की तरफ से प्रदान हुए भगवान के शलों में। ईश्वर आपको हमेशा मनोकामना पूर्ण करें। तामसी जीव हूँ स्वामी। अरे तुमको नमो नमामि। तामसी प्रसाद लिए जाओ। जीव हूँ स्वामी मेरे पिया को छोड़ो ओ मोहन। आज नागिनियों ने कहा है कि हे सच्चिदानंद परमानंद ईश्वर, मैं तामसी जीव है, मुझे क्षमा करो। मुझे ये मेरे भगवत प्रेमी आज उसी समय श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया कि हे राजन परीक्षित, रिंकू भैया गुलशर की तरफ से 111 मुद्राएं, शरण सिंह गुलशर की तरफ से 101 मुद्राएं, आरती गौतम नवरंगा की तरफ से प्रदान हुए हैं 101 मुद्राएं। ऐश विद्या कामो धन कामो भगवान सुख शांति प्रदान करें। बोलिए आनंद कन्न भगवान की। आपकी और ये 51 मुद्राएं रामाधार गौतम की तरफ से प्रदान हुए भगवान के शलों में। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर मेरे भगवत प्रेमियों का नाम है। और ये चाहा परीक्षित जी, हाँ पूर्व परीक्षित जी 51 मुद्राएं समर्पित कर रहे भगवान के शरणों में 51 मुद्राएं। और इमलिया चांदी की तरफ से ईश्वर आपकी हमेशा मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान ने कहा है कालिया नांग से, ए कालिया नांग अब तू यहाँ नहीं रहेगा, मेरी गेंद मुझे दे और दो छपरियां कमल के पुष्प चाहिए और हमें पीठ पर बैठाल करके हमें बाहर ले चल। अब तू जल को छोड़ करके तू जाएगा रमलब द्वीप पर। कालिया नांग कहने लगा रबलब द्वीप पर तो रहता है गरुड़, मेरा भक्षण कर जाएगा। भगवान ने कहा है तेरे फन पे हमारे पग चिन्ह हो चुके हैं, गरुड़ तुझ पे हमला नहीं करेगा। क्या नाम है? 101 मुद्राएं राम कुमार गौतम जी की तरफ से प्रदान हुए भगवान के शरणों में। बोलिए आनंद कन्न भगवान की। आज कालिया नांग ने मेरे भगवत प्रेमियों भगवान को पीठ पर बैठा ला है और दो छपरियां कमल के पुष्प बाहर आया है। मैया यशोदा ने अपने लाला को सीने से लगाया है। कालिया नांग अपनी नागिनियों को लेकर के रमलब द्वीप पर चला गया है। मेरे भगवत प्रेमियों, ये कालिया नांग जल के अंदर क्यों रहता था? वैसे काला सर्प जल में तो नहीं रहता है। कश्यप ऋषि की पत्नी 13 हाथी 13, कश्यप ऋषि की पत्नी यानी 13, ये दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं में थे, 13 कन्या बिहाई थी कश्यप ऋषि को। तो इनमें थे दो कन्याएं कश्यप ऋषि की पत्नियां कद्रु और बिनता, ये सब सगी बहनें थी। तो बिनता के हुए थे गरुड़, कद्रु के हुए थे कालिया नांग और कालिया नांग सौ भैया थे। तो गरुड़ मेरे भगवत प्रेमियों, एक दिन एक कालिया को नांग को खा लेता है और ये कह देता अगर किसी ने मौसी से बताए तो सवेरे नंबर वही को है।
और मेरे भगवत प्रेमियों, धीरे धीरे गरुड़ ने कालिया के 99 भैया को भक्षण कर लिया। कालिया बचा, कद्रू समझ गई कि गरुड़ मेरे बच्चों को खा रहा है। तो कद्रू और बिनता के बीच में शर्त हो गई कि सूर के घोड़े हैं, इनका रंग कैसा है। बिनता ने कहा सुपेत, कद्रू कहने लगी काली। और मेरे भगवत प्रेमियों, उनमें ये शर्त हुए हुआ, अगर जो हार जाएगा वही हमारी दासी बनेगी। कालिया नांग कहने लगा, मैया तू हार चुकी है। क्यों? सूर के घोड़े के जो रंग हैं वो सफेद हैं। कालिया नांग अपनी माँ की इज्जत बचाने के लिए सूर के घोड़ों पे लपेटा मार दिया कि देखने में काला समझ में आया। 101 मुद्राएं अमर सिंह दूधिया यानी गुलशर की तरफ से प्रदान हुए हैं भगवान के चरणों में, और 101 मुद्राएं पंकज की तरफ से प्रदान हुए ग्राम नौरंगाबाद की तरफ से। ईश्वर आपकी हमेशा मनोकामना पूर्ण करें। और 101 मुद्राएं बलबीर करगांव की तरफ से प्रदान हुए भगवान के चरणों में। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करें। और 101 मुद्राएं मुकेश यादव यानी ग्राम इमलिया चांदी की तरफ से प्रदान हुए। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर मेरे भगवत प्रेमियों, गरुड़ ने जब देखा है तो कालिया नांग को नोचने लगा है। आज कालिया अपने प्राण बचाने के लिए मेरे भगवत प्रेमियों कहां पर पहुंचा है? काली दह के पास में। वहां महात्मा मतंग ऋषि का आश्रम था मेरे भगवत प्रेमियों। आज मतंग ऋषि का श्राप लगा था गरुड़ को कि अगर यहाँ पे गरुड़ आएगा जल के भस्म हो जाएगा। तो कालिया ने विचार किया है, यही एक जगह ऐसी है जहाँ हमारे प्राणों की रक्षा हो सकती है। आज भगवान ने कालिया नांग को मेरे भगवत प्रेमियों मुक्त करवाया है, रमल द्वीप पर गया है। बोलिए आनंद कन्या भगवान की। आवाज का कम कर दीजिए, बक्सन की थोड़ी पथरी करो आवाज, कैसी मोटी मोटी बोलने की। अब एक आगे बोलो भगवान को बड़ो सुंदर भजन, अत्ता के बाद में।